अस्सलाम वालेकुम, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे सीनियर का प्रोजेक्ट है जिन्होंने शरक और कुछ एरियाज़ बलोचिस्तान में वहाँ पे रेफ्यूजीज़ के लिए शेल्टर बनाया है। बेसिकली वो टर्बट के एरिया में मूव होकर आ गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया है टर्बन से, जो कि पगड़ी होती है आप उर्दू में, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने मतलब इसकी कैनपीज़ बनाई हैं। आपने देखा होगा टर्बन जो हैं वो एज अ रिस्पेक्ट उनको दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेफ्यूजी कैंप्स के जो टॉप है उसका शेल्टर जो है वो बिल्कुल ही उसी शेप से इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो है ये रेफ्यूजी कैंप का ही प्लान है, जहाँ पे वो लोग इमीडिएट शेल्टर और फूड और फर्स्ट एड वहाँ पे प्रोवाइडेड होगा उनके लिए। उसके इर्द गिर्द के एरिया में उन्होंने जो है हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई उनके लिए, जो कि जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में, बट वंस दैट हैपेंस जो ये रेफ्यूजी कैंप का एरिया ये एक बाज़ार और एक सोशल गैदरिंग के लिए यूज़ सकता है। ऑन दिस साइड यहाँ पर उसके रूफ प्लान्स और सेक्शन हाउसेस के नज़र आ सकते हैं, जहाँ पर नज़र आ सकता है कि उनकी जो कल्चर्स है वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे वो अपनी ही यूजुअल एक्टिविटीज़ और जो अपने रोज़मर्रा के काम हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे उनके कुछ मकेट्स और मॉडल्स हैं, ये हाउसिंग का एक मॉडल है जो कि बाद में डेवलप हो जाएगा। ये वही वाली कैनेपी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। सो ये मुश्ताक भाई का मॉडल है और मुश्ताक भाई का ही प्रोजेक्ट है। सो आई होप यू लाइक इट।